वन स्टेटमेंट जो शाहरुख सर हमेशा बोलते हैं वो ये है कि एज अ पर्सन आई सेल ड्रीम्स आई डोंट सेल ड्रीम्स टैग है फिनिश्ड ये इंसान खत्म हो गया वो बहुत इजीली लग जाता है स्पेशली mm. हमारे इंडस्ट्री में राइट right? मुझे बताओ सर वो दौर के बारे में जब आपके साथ भी कोई ऐसा टैग शायद जुड़ा हुआ था द मीडिया टर्निंग अवे देयर कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी मी यू नो लेटिंग मीटिंग

There were many articles coming against me. मैंने एक journalist के साथ गुस्सा किया था एक ही बार फ़ोन पे। I just need one good film and good character that I found in rajniti Hi, this is manoj Bajpai. You're watching me on Sunny Ji Show on uh, Rohit Consulting. shubhajit ke channel ko like, share and subscribe kar dijiye bhala ho jayega bhai मेरे दोस्तों और प्यारे दर्शकों यूनिवर्सिटी जो है वो सेम ही है आ, मनोज वाजपेई एक्टिंग स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी कोर्स जो है कोर्स आई थिंक थोड़ा सा आई थिंक सिमिलर ही है साइलेंस सिलेबस सिर्फ बदल गया है इन द फॉर्म ऑफ नाइट आउल बार शूट आउट हर एक जगह पे सब कोई यूनिवर्सिटी को सलाम करते यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को सलाम करना चाहिए सब लोग ताली बजाइए प्लीज <laughs> मनोज वाजपेई <laughs> <बाच्पाई> के लिए गिवन द काइंड ऑफ लेगेसी दैट ही हैज हैड एंड क्रिएटेड सर सबसे पहले सवाल तो बाद में पहले थैंक यू आप हमेशा से बहुत प्यार दिए एंड यू ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव थैंक यू फॉर दैट वन स्टेटमेंट जो शाहरुख सर हमेशा बोलते हैं वो ये है कि एज अ पर्सन आई सेल ड्रीम्स मैं मानता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये मनोज बाजपाई के लिए भी रेलिवेंट है क्योंकि जिस तरीके से आप ये जो स्केल होता है ऑफ सक्सेस आपने हासिल किया है दैट इज़ ऑल्सो अबाउट सेलिंग ड्रीम्स टू सो मेनी पीपल राइट मुझे बताओ कि इस चीज़ को आप कैसे देखते हो सो मेनी पीपल लुक अप टू यू एज एन इंस्पिरेशन आई एम श्योर यू नेवर फील प्रेशराइज बिकॉज दिस इज़ द लाइफ दैट यू हैव ऑलवेज वॉन्टेड बट इतने लोगों को आप इंस्पायर करते हो इन सच अ पॉजिटिव वे हाउ डू यू सी यूर होल ग्राफ ओवरऑल जब ऐसे लोग आपको आके बोलते कि सर लाइक वी हैव हर्ड सो मेनी इंस्टेंसेज पंकज सर जब आपके साथ होटल में मिले थे यर टेकन योर स्लीपर्स दैट इज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दर पीपल फ्रॉम द फ्रेटनिटी गिव तो जो एक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए तो आप हालांकि भगवान के लेवल पर ही हो आप तो आप कैसे देखते हो डाइम्स विद द लव डेफिनेटली यू फील ओवर वर्ल्ड थैंक गॉड दैट आई न थाट दैट यू नो माई जर्नी इज़ एक्चुअली लिविंग सच एन इम्प्रिंट ऑन अदर्स माइंड दे आर सो मैनी इंस्टेंसिस वेर आई मीट सो मैनी स्टूडेंट्स कमिंग फ्राम द वलेज एंड द स्मॉल टाउन्स वो आके मुझे बोलते हैं कि हम आपको देख करके सीखते हैं या आपके कारण हम गाँव से निकल पाए आपके कारण हम अपने शहर से निकल पाए आपके कारण हम अचीव किया तो मुझे लगता है कि यार uh, मैं तो सिर्फ एक्टर था एक अपनी जर्नी पे था आई नेवर न्यू देट यू नो सो मैनी अदर्स आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाई माई जर्नी आई एंड दे आर यू नो गैदरिंग करेज टू टू रेडी फॉलो देयर ड्रीम्स यू नो मोर देन आई आई डोंट सेल ड्रीम्स आई आई हैव ऑलवेज यू नो आई आई सेल ओनली वन थिंग दैट

तब से वो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है मैंने देखा वहाँ पे फॉलो किया अच्छे से बारीकी से वो था देसी सुपरस्टार ये सुपरस्टार जो टैग है आप इसको बहुत सीरियसली लेते नहीं हो यू ऑलवेज फील लाइक अरे यार मैं एक्टर हूं खुश हूँ बट वो कहीं ना कहीं जाके सब लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे एवरीबडी मस्बी अग्री कि यार देसी सुपर जो है बिकॉज यू ब्रिंग दैट देसी रॉ फ्लेवर एंड एट द सेम टाइम यू हैव दैट रिस्पेक्ट ऑफ अ सुपर सो वो हैश टैग से आए उसके बारे में थोड़ा सा बताओ सर ये सब अपूर्व सिंह कार्की की मतलब ये बदमाशी है पहले तो उसने जो है टीजर में डाला हुआ था उसको हटवाया पहले मैंने मैंने कहा <laughs> नहीं ये हटाओ तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मिलकर के उसको कैप्शन में डाल दिया <laughs> आ, तो आपका मेरा कंट्रोल एक हद तक रहता है आई नेवर वांटेड दैट लाइन बट दीस पीपल वर वेरी इंसिस्टेंट एंड उन्होंने जो है मेरे बिना बोले हुए इसको जाके डाला बट <laughs> मैं हमेशा से मैं, मेरा मानना है कि स्टार वगैरह जैसी चीजें मेरे साथ लागू नहीं होती मैं मैं प्योरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ मेरे अंदर में वो कोई चाम नहीं है मेरे अंदर में वो कोई मैग्नेटिज्म नहीं है आ, जो एक स्टार में होता है सो आई डोंट थिंक दैट अप्लाइज़ टू मी ये मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ इस <laughs> मामले में लेकिन मैं करना नहीं चाहूँगा बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव लिमिटेड टाइम मुझे बताओ दिस इज अबाउट साइलेंस एंड इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड एल कम टू दैट बट इन योर करियर इज़ वेल वाई आई कॉल इट सो इंस्पायरिंग इज बिकॉज यू नो इट वॉज अबाउट दिस राइजिंग टू द टॉप देन गोइंग डाउन अगेन एंड देन राइजिंग अगेन राइट वो जो डाउन हो जाने के बाद जब राइज होता है इंसान वो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है रैदर देन देट फर्स्ट राइज एंड जब आप नीचे झुक झुके होते हो या फिर झुका दिए जाते हो तो अ लॉट ऑफ पीपल फील लाइक यार ये इंसान खत्म हो गया है एंड वो जो टैग है फिनिश्ड ये इंसान खत्म हो गया वो बहुत ईजिली लग जाता है स्पेशली hmm. हमारे इंडस्ट्री में राइट right? मुझे बताओ सर वो दौर के बारे में जब आपके साथ भी कोई ऐसा टैग शायद जुड़ा हुआ था

Uh, लेकिन जब वापस से जब वा, वापस आता है वो तो उस बीच में उसने uh, वो अचानक से वापस नहीं आया वट ही हैज डन दैट ही केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग इन द नेट्स ओके ही केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल द शॉर्ट्स विच गॉट हिम आउट राइट द की इज़ देयर यू नो लर्न इट फ्रॉम अ प्लेयर वट दे डू इन द डाउन टाइम एंड दिस इज वॉट एग्जैक्टली आई वॉज डूइंग वन आई वॉज डाउन आई वॉज रीडिंग ऑल दोज थिंग्स अबाउट मी But one thing I was very sure that I know my job. I just need one good film and good character that I found in Rajniti. Ji, okay, of course. And uh, and you know, to my luck, it uh, it did humongously well. Uh, and my 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 character and my dialogues became very popular. But in between uh, what I was doing, that I was practicing. I was I was I was also reanalyzing. Uh, what what went wrong? Where I went wrong with my choices? What are the things which I have done wrong? And uh, what sh what should be my next step? Should I answer those people or should I be quiet? I chose to be quiet. I I worked so much on myself uh, during those years of difficult time. It was a very difficult time where the media was turning away their camera in front of me. You know, yes. uh, letting so, I mean, me, letting me hear. Uh, that they don't want my photograph. They don't want to shoot uh, a video of Manoj Bajpayee entering any function. I've seen all of it. But one thing was there that uh, you know, uh, a bad time will eventually go away, uh, and a good time will also eventually go <laughs> away. And <laughs> nothing also, is permanent. <laughs> nothing is permanent. So just be truthful to each and every moment uh, and this is what i have been doing even in my bad times i have been very very truthful to the actor that i am i always woke up at four, uh, 5 o'clock 5:30 in the morning even in my bad times i still wake up at between 5 and 6 every morning so the discipline is constant working on myself is constant uh, success and failure they will come and go but my discipline

कुछ शायद आपने अपने बारे में पढ़ा था या फिर कुछ सुना था अपार्ट फ्रॉम दैट मीडिया वो कैमरा वाला वो तो पता है जो आपको लिटरली चुभा हर्ट you know, शायद अकेले रोए थे नहीं मतलब अब मैं रो, रोने वोने वाला तो मतलब रोना कोई कमजोरी नहीं है जी आ, लेकिन किसी के कुछ कहने से और लिखने से तो मैं रोता नहीं हूँ आफ्टर सत्याशूल देर वॉज देनी आर्टिकल्स कमिंग अगेंस्ट मी सब कह रहे हैं, सब ने लिखना शुरू कर दिया था कि इसका दिमाग काफ़ी चढ़ गया है ये अपने आप को सक्सेस चढ़ गया हाँ सक्सेस चढ़ गया इसके दिमाग में सारी चीज़ों को ना कर देता है कोई फिल्म इसको चाहिए नहीं ये विलन नहीं करना चाहता है ये अपने आप को सोचता गया है, है ये क्या अमिताभ बच्चन है सो so, इस तरह की बातें बड़ी लिखी जाती थी लेकिन वैन यू आर क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ एंड वॉट यू वॉन्ट वेर यू वॉन्ट टू रीच दीज थिंग्स नेवर मैटर टू मे थोड़ा गुस्सा आता था उस दौरान में मैं गुस्से वाला भी था <laughs> गुस्सा तो बहुत कम हो गया ओवर द ईयर्स लेकिन गुस्सा आता था लेकिन मैंने कभी किसी को फ़ोन करके गुस्सा कभी नहीं किया आ, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं मैंने एक जर्नलिस्ट के साथ गुस्सा किया था एक ही बार फ़ोन पर और उसने मेरे एक फेवरेट एक्टर को उसने बैड एक्टर बोला था तब So, वो भी किसी और के लिए किसी और के लिए किसी और के लिए गुस्सा <laughs> किया था मैंने तो uh, मैं अपने लिए तो आई ऑलवेज वेट फॉर द टाइम एंड यू कैन ओनली साइलेंस योर ऑल द डिट्रैक्टर्स विद योर वर्क नथिंग एल्स आपके बोलने से वो कुछ नहीं hmm. समझने वाले hmm. एक, एक, एक जुबैदा आती है सब चुप हो जाते हैं एक पिंजर आती है लोग चुप हो जाते हैं एक राजनीति आती है सब चुप हो जाते हैं तो आप काम के अलावा किसी और चीज़ से चुप नहीं करा सकते किसी को द ओनली थिंग यू शुड डू दैट व्हेन द गोइंग इज टफ यू शुड जस्ट गेट्स गोइंग यूट इट टफ इज टफ गेट गोइंग सो इट्स बेटर टू बी क्वाइट एंड कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ नेवर मैं थिक स्किन मैं काफ़ी थिक स्किन हुआ मैं थिएटर के समय से ही जो रिजेक्शन मैंने बहुत नेशनल्स को ड्रामा में नहीं हुआ तीन तीन बार चार चार बार नहीं हुआ फिर बॉम्बे आए तो बॉम्बे में आपको जो है आप पहला शॉट आपने दिया और आपको बोला गया कि कपड़े निकालिए आपका एक्टिंग नहीं अच्छा लगा तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा झेल चुके थे तो चमड़ी मोटी होनी शुरू हो चुकी थी तो अभी तो कुछ भी सरप्राइज नहीं करता कुछ भी नहीं क्या बात है सर मुझे बताइए कि यहाँ पे यू प्लेइंग रोल ऑफ एन एसीपी सी पी एंड यू नो हाई लेवल का पुलिस का पोस्ट होता है uh, कहीं ना कहीं जाके ऑफ कोर्स हर एक कम्युनिटी में अच्छे लोग बुरे लोग होते पुलिस में भी हो जो भी हो बट कहीं ना कहीं जाके अगर मैं बोलूँ तो पुलिस का जो कम्युनिटी है उनको शायद जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए फॉर जो हार्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी वो लोग करते हैं जिस तरीके से उतना शायद इज्जत उनको कभी कभी नहीं मिल पाता एंड एक और पैटर्न मैंने देखा है कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने कुछ हट के काम किया है जैसे अगर मैं मुंबई पुलिस के बारे में बोलूँ हमारे दया नायक सर है hmm. प्रदीप शर्मा सर ऐसे बहुत दिग्गज विजय सालस्कर साहब थे अनफॉर्चुनेटली वो गुजर गए तो ये सब कहीं ना कहीं जाके दे हैव अटेंड दैट लेवल ऑफ सक्सेस बिकॉज उन्होंने सिस्टम से थोड़ा हटके कुछ किया एंड दे बिलीव कि यार मैं लिमिटेशन में नहीं आऊंगा मैं कुछ हटके करूंगा तो ही जाके मैं मेरा जो लक्ष्य है मैं उसको हासिल करूँगा uh, आज के ज़माने में जब आप अपने आसपास पास के पुलिस ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो एंड आई नो यू डू दैट आप उनसे मिलते हो आप उनसे क्राइम रेट वगैरह ये सब के बारे में आप ऐसी hmm. बातचीत करते हो उनके साथ आप आप क्या देखते हो डू समाइम्स फील कि वो लोग एक्सप्रेस करते हैं कि दे आर अ लिटल सैड इन टर्म्स ऑफ हाउ समाइम्स देयर रेपुटेशन गेट टार्निस्ट बिकॉज ऑफ रीजन टू आस नहीं जो पुलिस वाले होते हैं उनके साथ अगर बैठ के बात कीजिए तो आपको पता चलता है कि इनकी लाइफ कितनी टीडियस है चैलेंजिंग है उनकी उनकी फैमिली लाइफ कितनी सेक्रीफाइसड है एवरी डे uh, 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 अगर वो घर जाने के लिए निकलते भी हैं तो कितनी बार आधे रास्ते से वापस आना पड़ता है उनको कितनी बार रात को सो रहे हो होते हैं तो फ़ोन को साइलेंस uh, पर नहीं करके सो, वो सोना वो, सो सकते हैं वो सो ऑल द टाइम दे आर ऑन द जॉब इवन वैन दे आर स्लीपिंग और दे आर ऑन द जॉब उनकी लाइफ को अगर आप जितना गहरे में जा कर देखोगे जितना अंदर जाके देखते हो आपको उनके ऊपर में सच में दया आती है यार कि कितनी टफ और डिफिकल्ट लाइफ जी रहे हो ये कोई फिल्मी लोग नहीं है ये रियल लाइफ के क्रिमिनल्स रियल लाइफ के क्राइम को डील कर रहे होते हैं आ, रियल जिंदगी में लॉ एंड ऑर्डर को एन्फोर्स कर रहे होते हैं इट्स इट्स नॉट अ जॉब दैट यू वुड लाइक टू डू It, it, the uniform may look very attractive from outside, but in actuality it comes with loads of responsibility and sacrifices. Yeah. सर ये जो है कहानी ऑफ कोर्स हम लोग देखने वाले हैं नाइट आउल बार शूट आउट आ, कहानी से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि बार में कुछ शूट आउट हुआ है जिसके वजह से अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एज़ फार एज़ बॉम्बे इज़ कंसर्न या कोई और भी शहर हो अक्सर हम लोग किससे सुनते रहते हैं कि यार बार में मारपीट हो गया ये हो गया या फिर कोई शराब के नशे में धु धो के किसी ने कुछ कर दिया उल्टा सीधा या फिर गन निकाल लिया कुछ ना कुछ आपने कभी अपने ज़िंदगी में से जब पहले पहले बॉम्बे आए थे या कभी भी ऐसा कुछ किस्सा सुना किसी दोस्त के साथ या फिर कभी भी शायद अगर आप खुद किसी रिसर्च प्रोजेक्ट या किसी वजह से आप गए हो कभी कोई बार में वहां पे आपने कोई ऐसा सीन देखा कि सच में यार लोग मारपीट कर रहे हैं आसपास मतलब शराब के नशे में कुछ ऐसा आ, आपको शराब के नशे में मैं बहुत सारे देखे हैं मैंने <laughs> क्या मैंने कुछ इंसिडेंट शराब के नशे में मुझे समझ नहीं आता कि लोग मारपीट कैसे करते हैं यार मुझे ये समझ नहीं आता गए हो मस्ती करने के लिए मारपीट कैसे करते हो वो मुझे कभी समझ में नहीं आया Uh, मेरे अपने बहुत सारे थिएटर में जो yeah. बहुत सारे दोस्त थे yeah. उनको शराब के नशे के बाद ही जो है गुस्सा आता था पता नहीं क्यों <laughs> तो मैं निकल जाता था इफ आई सी दैट यू नो द पार्टी पार्टी इज गोइंग रॉन्ग आई आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू स्नीक आउट बिकॉज फॉर मी अ पार्टी इज मैंट टू हैव गुड टाइम ओके एंड इफ इट इज़ इट इज़ नॉट इफ इट इज़ नॉट लेटिंग यू हैव गुड टाइम जस्ट गेट आउट फ्रॉम दैट don't ruin your yeah. Yeah. night नाइट और इवनिंग या yeah. सर मुझे बताए इन दिस प्रोजेक्ट प्राची इज़ ऑल्सो देयर एंड जितने भी हम लोग ने प्राची के तरफ से सुना अबाउट यू शी इज़ ऑलवेज यूजिंग टर्म्स लाइक इंस्टीट्यूशन एंड ये तो आप बहुत सालों से सुन रहे हो uh, मुझे कोई ऐसा इंस्टेंस बताओ ऑफ योर एक्सपीरियंस विद शूटिंग विद प्राची वेर यू रियलाइज की बॉस बंदी में दम है शी इज़ रियली अन एन एक्टर टू एन अ फोर्स टू रेक विद शी शी इज़ अ शी इज बीन अ स्टार ओके एंड नाउ शी इज शी शी स्टार्टेड वर्किंग ऑल ओवर अगेन एंड शी इज़ बीन

एंड वो अमेजिंग क्वालिटी है उसके अंदर में दैट विल टेक अ वेरी फा क्या बात है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूँ की ऑफकोर्स uh, ये तो है बट एक प्रोजेक्ट जिसने सबको हिला के रख दिया वो भी जी फाइव में ही आया था सिर्फ एक बंदा काफ़ी है एंड लिटरली uh, मतलब स्मैशिंग रिकॉर्ड्स एंड स्मैशिंग आइडियोलॉजीज फॉर ऑल द राइट रीजन्स कितने सारे अवार्ड आई थिंक हर महीने कुछ ना कुछ अवॉर्ड मिलते हैं सर उसके लिए आपको मतलब, मैं बता नहीं सकता हूँ कि uh, uh, पिछले साल के फिल्मों में बंदा और उसके बाद गुलमोहर अगर बंदा के लिए नहीं मिल रहा होता किसी महीने में तो गुलमोहर के लिए मिल रहा होता रिपीट होता तो बट यू नो इट इज बीन सो अमेजिंग दैट यू यू फाउंड अ नो लाइक कपूर सिंह आई एम वर्किंग विद हिम जब भैया जी कंप्लीट कर दिया उसने वेरी सुन वी आर गोइंग टू अनाउंस आर न्यू वन राहुल चिटेला ऑफ गुलमोहर और इन इन लोगों की फिल्मों ने इनके काम ने मुझे इतना ज़्यादा सम्मान दिया है इतना ज़्यादा कि अभी तक मिल रहा है ऑल न्यू डायरेक्टर्स अभी, अभी, अभी तक मिल true. रहा है कल रात को ही राहुल चिटेला का मुझे मैसेज आया था yeah. कि सर वो अवार्ड आपके पास पहुंचाना था क्योंकि वो फंक्शन में आप नहीं जा पाए थे आप दुबई में थे तो मैंने जाके लिया था सो yeah. so ये यू फील सो यू फील ग्रेटफुल यू फील थैंकफुल टू गॉड यू नो फॉर रियली ब्लेसिंग मी विद दिस दीज अपॉर्चुनिटीज़ एंड विद डायरेक्टर सच अमेजिंग डिरेक्टर्स लास्ट क्वेश्चन सर मुझे बताइए भैया जी का प्रोमो हम लोग ने देखा है मे में आने वाला आउट एंड आउट एक्शन ओवर देयर मजा आएगा देख के बिकॉज वी आर नॉट यूज़्ड टू सिंग मनोज सर उस अवतार पे सो देखने में और मजा आएगा बट बताइए सर एक कोई ऐसा चैलेंजिंग पार्ट ऑफकोर्स डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे जब उसका प्रमोशन होगा बट एक कोई ऐसा चैलेंजिंग पार्ट तो जो आपने रियलाइज किया अबाउट एक्शन जो शायद आपको पहले पता नहीं था बट जब आपने किया तब रियलाइज किया कि बॉस ये तो मतलब इस ये जो है असली में ये और भी ज़्यादा खतरनाक है जितना मैंने सोचा था ऐसा कोई चीज़ आपको मतलब याद आता है एक्शन के बारे में बहुत सारे एक्शन हैं मैं एक के बारे में नहीं बता सकता <laughs> एक एक्शन में मेरे गर्दन में जो चोट आई थी वो अभी तक अभी तक दर्द होता है मुझे आ, कभी कभी लगता है चला गया फिर अचानक से किसी दिन सुबह उठता हूँ तो फिर दर्द होता है आ, किसी तरीके से वो गर्दन मेरा बच गया था आ, एक एक्शन में मेरा नी गया था जिसमें बहुत दिन तक मैं जबकि मैं इस पर बैंडेज बांध बांध करके मैंने पूरा शूटिंग कंप्लीट किया था और उसके बाद मैं बहुत दिन तक जो है सीधा चल नहीं पा रहा था तो <laughs> जो काम मैं अपने 30s में कर सकता था ये लोग अब करा रहे हैं मतलब दैट वाज सर आपको अभी असलियत में ट्वेंटीज़ में समझ रहे हैं ये लोग ये फंडा है असली ये सब भी अग्री करते होंगे <laughs> नहीं बट बट उन लोग एक्शन डायरेक्टर एस विजन वो टास्क मास्टर है वो उन्होंने जो है मुझसे कहा कि नहीं आप ही को करना है सो so, जितनी सारी एक्शन फिल्में देखते हैं किसी भी हीरो के उनके 50 उनके अपने होते है, 50 तो है, जी, जी, होते हैं, हैं। हैं। ज्यादातर करता है या पर तो एस ने मुझसे वो सारे काम कराए मतलब चीजें मैंने किया बट विल टॉक अबाउट इट भैया जी काम से कब आएगा मैं इंतजार हो रहा है अभी यहाँ और बट थैंक यू सो मच सर ऑलवेज साथ बात करके सिक्सटी अप्रिल है डेट उसको नोट करो मनोज सर प्राची देसाई लॉर्ड ऑफ इंटरेस्टिंग एक्टर्स ओवर देयर बहुत ही धमाकेदार कास्ट है इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जाओ देखो मनोज सर है बोलने का जरूरत नहीं है साइलेंस इधर मत दिखाओ साइलेंस में प्यार दिखाओ दैट इज वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सो मचरा जी शो बाई रोहित कंसल्टिंग दिस इज योजी विद एंड ओनली मनोज सर आई सीरी सुन वन सेकंड थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस टेक सेवन थैंक यू